तो नमस्कार दोस्तों, आपको जो है खबर मिल चुकी होगी कि हुआई जो है बैन हो चुका है। जी फ्रेंड, हुआई बैन हो चुका है। तो फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हुआई क्या है। तो फ्रेंड हुआई एक कंपनी है जो कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और भी कई सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाती हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात यह है कि हुआई बैन क्यों हुई। तो फ्रेंड हुआई ने एक जो है कोई साइन किया था। अब फ्रेंड हुआ एक चाइनीज कंपनी है और फ्रेंड गूगल एक जो है यूएस कंपनी है। तो फ्रेंड गूगल ने जो है हुआई के साथ बिजनेस करने के लिए मना कर दिया है। जी फ्रेंड, तो फ्रेंड अब बात ये आती है कि जितने भी हुआई के फोन हैं या फिर जो फ्यूचर में हुआई के फोन आएंगे उनमें क्या एंड्रॉयड या फिर मैं बताऊँ आपको जैसे गूगल हुआ, प्ले स्टोर हुआ, जो गूगल की सर्विसेज हुई वो क्या उन फोनों में अवेलेबल होगी या फिर उन फोनों में चलेगी। तो फ्रेंड देखिए, गूगल ने अभी जो है हुआई को 90 दिन का टाइम दिया है कि आप जो है अपने 90 दिन के अंदर अंदर जो भी कुछ भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। 90 दिन के बाद में आपको जो है हुआई फोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं जो गूगल से रिलेटेड हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, गूगल आपको जो है हुआई के फोन में कोई भी सेफ्टी नहीं देगा। जीमेल हुआ या फिर प्ले स्टोर हुआ, ऐसी कई सारी चीज़ें गूगल की सर्विसेज आपको जो है हुआई के फ़ोन में मिलना बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्यूचर में जो फ़ोन आएंगे तो फ्रेंड उनमें जो है हुआई अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने जा रहा है जिसमें जो है वो खुद ही एक ऐसा प्ले स्टोर बनाने की सोच रहा है गूगल की तरह ही, जिसमें आपको जो है जैसे गूगल में जो चीज़ें मिल जाती है प्ले स्टोर में उसी तरह जो है हुआई भी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जा रहा है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट लेकिन जो यूएसए की कंपनी है जैसे कि उबर हुई या फिर कई ऐसे एप्स हुए जो कि एंड्रॉयड ही में चलेंगे, तो फ्रेंड उनका क्या होगा। तो फ्रेंड जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हुआई अगर गूगल के साथ और गूगल अगर हुआई के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो फ्रेंड ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हुआई एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। लेकिन फ्रेंड बात करते हैं अगर स्टोरेज की, तो हुआई अपना जो है खुद की जो है चिप्स वगैरह बनाता है तो हुआई को इतना जो है वो नहीं आएगा। बट लेकिन फ्रेंड गूगल के साथ जो है उनका बैन होना इसका मतलब बिजनेस में बहुत ही घाटा उनको होने वाला है। हाँ, हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर से यह न्यूज़ आ जाए हमारे पास कि जो है हुआई और जो गूगल है उनके बाद उनके आपस में जो है समझौता हो चुका है, वापस से वो जो है एक दूसरे के साथ काम करने स्टार्ट हो चुके हैं। बट लेकिन अभी जो है फ्रेंड हुआई और गूगल में जो है बैन हो चुका है। गूगल जो है हुआई के साथ बिजनेस डील नहीं करेगा। उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया है गूगल ने हुआई को कि आप जो है अपने 90 दिन के अंदर कुछ भी कर लीजिए, इसके बाद में जो है हुआई के जो फोन्स है या फिर जो भी लैपटॉप्स हुए या फिर कुछ भी है उनमें जो है आपको गूगल की सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड अगर आप जो है हुआई का फोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप जो है जा रहे हैं तो फ्रेंड अभी आप रुक जाइए 90 दिन तक, इसके बाद में आप जो है चाहे तो फोन ले सकते हैं। बट लेकिन अभी फ्रेंड जो है हुआई के फोन में एंड्रॉयड की जो चीजें हैं वो आपको मिलेगी 90 दिन तक, लेकिन उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी तक तो जो है क्लियर नहीं आया है। तो फ्रेंड अभी तक की जानकारी जो है मेरे पास यहीं तक थी। अगर आगे मुझको और भी कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में केवल यहीं तक की आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्ने देखो जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड एंड फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।